What's up everyone, welcome back to the channel. और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी चीजें जहां से आपका अकाउंट्स का पेपर बनने वाला है. तो वीडियो को ध्यान से देखना और सबके साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप फेल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जाम आ कैसा रहा है. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ, सबको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो है ही इतना इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग विद द पेपर पैटर्न, जो आपका एग्जाम आने वाला है वो 80 मार्क का आने वाला है, जो कि मोस्टली स्कूल्स में 80 मार्क का ही आता है. अगर आपके यहाँ 90 मार्क का आता है तो अकॉर्डिंगली आप 10 नंबर अपने मैनेज करके चलो. 80 मार्क में 20 मार्क के इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं. अब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या हो सकता है, उसमें आपके वन वर्ड हो सकते हैं, उसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, उसमें आपके MCQs हो सकते हैं, और उसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं. एक मैच द फॉलोइंग और है, बट उस पर मैं ज़्यादा रेलेवेंस नहीं समझता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चार चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. अब सर ये 20 मार्क कैसे होंगे, इसके लिए सिर्फ अपनी बुक के जो बैक क्वेश्चंस दिए हैं, एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के आपको पीछे के जो क्वेश्चन गिवन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो सभी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. लेकिन ये चीज़ भी बाद की है, क्योंकि ये हम लोग एग्जामिनेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं. अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बनती है वो बनती है कि सर मैं पास कैसे हूँ, या फिर अगर मेरा इतनी प्रिपरेशन है कि बस मैं पास तो हो ही जाऊँगा, मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो मैं क्या करूँ. तो आपको फोकस करना होगा इन 60 मार्क के ऊपर, कि ये 60 मार्क कैसे लिए जा सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि ये 60 कवर अप हो जाए. अब दो तरीके के बच्चे मेरे पास हैं, एक वो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, और एक वो जिन्होंने 50-50 प्रिपरेशन कर ली है. वो देखो, जो लोग 50-50 कर चुके हैं वो थोड़ा और एफर्ट लगाओ, करना सब कुछ है, लेकिन ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा है जो इस टाइम पे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या या कहां से स्टार्ट करें. तो इसी पैटर्न के साथ आप शुरू करो. सबसे पहले तो अपना कैश बुक ले लो भाई. कैश बुक एक ऐसा क्वेश्चन है जो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 मार्क का आपके यहाँ आ सकता है, यानी 4 नंबर का तो सवाल इसका आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 8 मार्क तक भी जा सकता है, मेनली 6 मार्क तक जाता है. कैश बुक कौन सी करनी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा डबल कॉलम में चले जाओ, सीधा डबल कॉलम कैश बुक उठा लो, और उसके अंदर सारी कैश बुक बहुत ध्यान से एनी 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. बेसिकली आपकी हर बुक में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं कैश बुक में जो बड़े लेंथी क्वेश्चंस दिए हुए हैं लास्ट में, बस वो प्रैक्टिस कर लो. पेटी कैश बुक, इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, वो भी बाद में देखेंगे, पहले डबल कॉलम प्रैक्टिस करो, ये कंफर्म्ड एग्जामिनेशन में आएगा और काफी स्कोरिंग रहने वाला है. सबसे पहले ये करो. उसके बाद अगर आगे बढ़ूं तो BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन जो पासबुक से स्टार्ट हो रहा है उसको उठा लो, कि पासबुक का क्वेश्चन कैसे है. इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. कैशबुक का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लो और प्रिपेयर कर लो, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत इजीली हो जाएगा. BRS के कॉन्सेप्ट समझ लो, प्लस माइनस समझना है, समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज याद कर लो क्या प्लस होने वाला है क्या माइनस होने वाला है, दोनों चीजें देख लो. अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है तो क्या रूल्स चलेंगे, अगर क्वेश्चन कैशबुक से शुरू हो रहा है तो क्या रूल्स चलेंगे, दोनों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. BRS का सवाल भी 4-6 मार्क का आएगा, 2 चैप्टर आपके अराउंड 10 मार्क कवर करने वाले हैं. 10 नंबर अगर लेने हैं तो इन चैप्टर्स पे फोकस करो, ये इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं. तीसरा, इसके बाद चले जाना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करना है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 6-8 हो सकता है कि 6-8 मार्क का क्वेश्चन आए, और 8 मार्क का मोस्टली आता है. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने वाला है. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि पहले सेल परचेज की एंट्री, फिर बिल लिखने की, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, उसके बाद बिल डिसऑनर की एंट्री, और नया बिल आने की एंट्री. जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 केसेस हैं इसके अंदर, वो आपने कौन से वाले करने हैं, एक तो बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, और दूसरा करना है एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड. ये 2 केसेस बहुत ध्यान से कर लो. अगर डिस्काउंट कराया, डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होती है, और एंडोर्स करके डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होती है. यही क्वेश्चन 99% आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 99% बहुत अच्छे से कर लो, बाकी सब छोड़ दो, बाद में देखेंगे. फिलहाल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. इसके बाद जब ये हो जाएगा
इसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों को, तो मैं क्या करने वाला हूँ इस पे मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया है, मैं जस्ट शूट करूंगा आज ही या कल ही, मतलब इन बिटवीन 2 to 3 days आपको रेक्टिफिकेशन का वीडियो मिल जाएगा। आप सिर्फ वो वीडियो देखना, उसको प्रिपेयर कर लेना, सफिशिएंट। उस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आपने वो वीडियो देख लिया, जितनी भी मैं ट्रांजेक्शन उसमें कराने वाला हूँ वो सभी ट्रांजेक्शन आपके एग्जाम में आएंगी, इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल। इतना कर लेना, रेक्टिफिकेशन का काम हो जाएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 to 8 marks, 6 से 8 number का रेक्टिफिकेशन आने वाला है। तो 4 chapter की अगर बात करूं तो 8, 8, 16 और 10, 26 marks साइड में हो जाएंगे अगर आपने ये 4 chapter कर लिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की कि इतना आसान है अकाउंट्स में पास होना, तो बहुत आसान है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, अच्छे से प्रिपेयर करो, बस हार्ड वर्क करो। इसके बाद क्या करोगे? अब ये जो 3 chapters हैं ये काफी बड़े चैप्टर्स हैं और काफी ज्यादा मेजर मार्क्स आपके इसमें कवर होने वाले हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करा जाए, इसके बारे में बताओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 chapters आपकी बुक्स में हैं, एक विदाउट एडजस्टमेंट और एक विद एडजस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि विदाउट एडजस्टमेंट से क्या करना है। कुछ भी नहीं करना, विदाउट एडजस्टमेंट पे जाओ। विदाउट एडजस्टमेंट में एक टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, वो टॉपिक ध्यान से कवर अप करो। उसके अलावा वहां से सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट चेक कर लो कि क्या चीज ट्रेडिंग में आती है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आती है और क्या बैलेंस शीट में आती है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो को भी देख लेना कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा। विदाउट एडजस्टमेंट से और कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ दो। अब आते हैं हम विद एडजस्टमेंट्स पे कि सर विद एडजस्टमेंट्स में क्या होगा। अब देखो अगर मैं वैसे बात करूं तो विद एडजस्टमेंट्स में आपके पास 25 एडजस्टमेंट्स हैं जो क्लास 11th में पूछी जा सकती हैं, लेकिन इस स्टेज पे हम क्या कुछ कैलकुलेटिव हो सकते हैं? देखो एक एक्सपीरियंस होता है, एक आइडिया होता है कि क्या आ सकता है, तो उस बेसिस पे मैं आपको कुछ 6 adjustments बता रहा हूं। आप इनको कर लो, 90% यही आने वाली है, 10% अगर एक आधी आगे पीछे आ भी गई तो थोड़ा रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ बताऊं, इतना करोगे तो काफी कुछ कवर हो जाएगा। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स? सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, मैनेजर्स कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो करके ही जाना। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा प्रीपेड एक्सपेंसेस, पांचवा आपका बैड डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। बैड डेट्स पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि बैड डेट्स से रिलेटेड 3 adjustments होती है, एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, देख लो कवर अप हो जाएगा। सिक्स्थ और लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इस तरीके का एडजस्टमेंट भी आपके पास पूछा जा सकता है। अब ये 6 adjustments आप कर लो, बहुत है। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंसेस के लिए है तो accrued वर्ड इनकम के लिए भी आ सकता है, ट्रीटमेंट सेम होता है, आपको बस ध्यान से समझना है इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए है तो अनअर्नड इनकम के लिए भी आ सकता है। तो आपको इतनी ही एडजस्टमेंट्स करनी है, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, 90% इनफैक्ट मोर देन 90% चांसेस है यही आने वाली है आपके एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब एक आधा आ भी गया तो थोड़ा रिस्क तो हमें यहाँ लेना होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट इतना करो, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं करना इसमें से। ये एक बार हो गया तो सिंगल एंट्री समझो आधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सिंगल एंट्री में भी यही एडजस्टमेंट्स हैं। सिंगल एंट्री में मेजर कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? 1, उसके साथ साथ 2, उसके साथ साथ 3 और ये 4। ये 4 एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री में है। सिंगल एंट्री सिस्टम पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, सब कवर्ड है यार, आपके लिए सारा मैटर ऑलरेडी बना हुआ है। आपको सिर्फ इस टाइम पे कॉपी उठानी है, पेन उठानी है, वीडियो देखो और पढ़ाई करो। इस टाइम पे यूट्यूब पे गाने मत सुनो, मूवीज मत देखो, सिर्फ पढ़ो, क्योंकि बस थोड़ा ही टाइम बचा है और आपको करना है और आप कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर, डेप्रिसिएशन।
सर डेप्रिसिएशन से क्या करना है। भाई डेप्रिसिएशन तो एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पूरे साल परेशान करता है, और आपने इसका बस एक माइंडसेट बनाया कि ये बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। इसमें से क्या करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के चांसेस मेरे पास बहुत कम होते हैं कि SLM एग्जामिनेशन में आए, नहीं आएगा छोड़ दो। और अगर आ भी जाता है तो WDV करने के बाद SLM आप खुद कर सकते हो। WDV पे फोकस करो, एग्जाम में यही आने वाला है। WDV में क्या सर किस तरीके का सवाल आ सकता है, देखो हाई प्रोबेबिलिटी जो होती है, हाई चांसेस ये हैं कि एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये दो अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर डेप बन रहा है तो ये दोनों कैसे बनते हैं, प्रोविजन फॉर डेप नहीं बन रहा तो सिर्फ मशीनरी कैसे बनेगा। डेप्रिसिएशन से बस ये क्वेश्चन आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। इतना कर लोगे तो उसके बाद हम सोचेंगे कि होने क्या वाला है। अब देखो पेपर पैटर्न क्या है, 1 मार्क का यहां से क्वेश्चन कंफर्म्ड है, 6 मार्क का लगभग यहां से, 8 मार्क का लगभग यहां से, तो 8 and 8 16 16 and 6 कितना 22 के बाद लगभग 8 और 8 16 38 38 और 10 48, तो इस 60 में से 48 मार्क्स का इन्हीं में से आएगा। अब सपोज आपका 100% नहीं भी होता तब भी आप आउट ऑफ दिस 48 30 मार्क्स के लिए तो एलिजिबल हो ही जाओगे, और इन 20 में से भी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 20 कंफर्म्ड है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा तब भी 10 मार्क ले लोगे, तो यहाँ आउट ऑफ 80 40 मार्क हो गए, और आपको अगर 20 ऑन 20 स्कूल से मिल गए तो 60 मार्क आप ले आओगे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इस तरीके से प्रिपेयर करो, अकाउंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर सकते हो, सिर्फ आपको इस टाइम पे एक डेडिकेशन एक कमिटमेंट चाहिए। अपने आप को प्रोकास्टिनेशन छोड़ दो और आगे बढ़ो, कल की बात मत करो आज ही करो, वीडियो को समझो, चीज़ों को देखो और बहुत अच्छे से करो, करके दिखाओ। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीज़ें और आप इसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है क्योंकि आपके पास भी टाइम शॉर्ट है, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।